मंत्री उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया है हीरा डायमंड। उमा भारती ने सिंधिया को लेकर बयान दिया कि कांग्रेस ने अपना हीरा गंवा दिया, डायमंड गंवा दिया, जनता को अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती कह रहे हैं के प्रति उनको प्यार नहीं, बात तो है कि कांग्रेस उनका दिल नहीं जीत पाई, क्योंकि कांग्रेस ने अपना हीरा गंवा दिया। जिससे प्यार था, जो जो सरकार बनाया था, वो हमारे जो हमारी सरकार नहीं बनने दिया था वो कौन था? और जो उनकी सरकार बना दिया था, और जो उनकी सरकार गिरा दिया, अंत में हमारी बना दिया, वो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसको उन्होंने हीरा गंवा दिया अपना। उन्होंने अब दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि मेरा मुँह देखते ही वोट कट कम हो जाते हैं, कमलनाथ जी ज़्यादा परिश्रम कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी खुद ही ऐसी स्थितियों का निर्माण कर लिया है। तो सामने कोई है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं कोई। अब जो देश में पूरी विपक्षी एकता की बात चल रही है, तो क्या ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव का नेतृत्व ये देश स्वीकार करेगा? मतलब मोदी की तुलना में ये मिलियन वर्ष नीचे खड़े हैं। और अब दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर। पथरिया से बसपा के विधायक हैं, उनका वीडियो अब वायरल है। विधायक रामबाई का वीडियो वायरल है। पथरिया नगर परिषद कार्यालय में जमकर इन्होंने हंगामा किया है। विधायक और वहां मौजूद लोगों के बीच विवाद हो गया। ठेकेदार से 5 लाख रुपए मांगने के गंभीर आरोप लगे हैं। विवाद के दौरान विधायक ने गनमैन से गन छीनने की कोशिश भी की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। नगर पंचायत के बाप लग जाए, किसी के पैसा मिल जाए तो राम भाई नाम न कहा। बताओ, हमने भी ग्रेड करवाए थे और तुमने रद्दी रोड बनाओ। तुम हमारे तो आए, हमने तुमसे कहा कही थी एक नंबर रोड बनाओ, ने कही थी पैसों की तुमसे कौन मिले? नहीं मैडम, कोई बात नहीं है। कैसी करे 5 लाख रुपए हमसे कही? 5 लाख रुपए आप भी चलो ना, जो काम नहीं मंगाया। जबलपुर की बरगी विधानसभा के विधायक संजय यादव एक सड़क निर्माण न होने से भाजपा सांसद और प्रदेश सरकार पर भड़क गए। दरअसल एक हफ्ता पहले विधायक संजय यादव बरगी विधानसभा की शाहपुरा तहसील पहुंचे। शाहपुरा तहसील है ये, यहां भेटौनी में हाईवे की जर्जर सड़क को देखकर वो रुक गए। इस दौरान उन्होंने सड़क के गड्ढों को लेकर नाराजगी जाहिर की। विधायक का कहना है कि वो बीते कई सालों से इस जर्जर सड़क के निर्माण के लिए सांसद को पत्र लिख रहे हैं, यहां तक कि विधानसभा के प्रश्नकाल में मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन सांसद ने उनकी विधानसभा में सड़क बनाने के कोई प्रयास नहीं किए। खबर सागर से, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तकरीबन 200 कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल